If you are facing dark spot problem, blemishes, tanning problem, then this video is definitely for you. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Smriti. So in today's video, I'm going to share a face mask जो आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम का एक सलूशन है. लाइक अगर आपको टैनिंग प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि समर स्टार्ट हो गए हैं, टैनिंग होना नॉर्मल बात है. सनबर्न प्रॉब्लम या फिर आपके ब्लेमिशेस, डर्ट की वजह से जो आपको एक्ने या पिंपल्स हो जाते हैं, उनके स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करने के लिए ये फेस मास्क बहुत ही अच्छा है. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब एनालिटिक्स चेक किया है, उसमें 78% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे वीडियोस देखते हैं. तो प्लीज़ आप लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, डू सब्सक्राइब. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. आपके फेस मास्क के लिए सबसे पहले राइस फ्लावर लेंगे. आपने देखा होगा कि जो भी कोरियंस होते हैं, उनकी स्किन केयर जो भी रूटीन होती है, उसमें राइस प्रोडक्ट होता ही होता है. मतलब उनके किसी भी स्किन केयर को आप देखोगे, उसमें राइस इंग्रेडिएंट होता ही है. और उनकी स्किन कितनी फ्लॉलेस और ग्लोई होती है, उनके फेस एकदम क्लियर होते हैं, कोई डार्क स्पॉट भी नहीं होता है. तो इसलिए मैं यहाँ पे राइस फ्लावर यूज़ कर रही हूँ. देन और उसमें आपको पता है कि राइस फ्लावर में आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है. देन मैं टमाटो जूस यूज़ कर रही हूँ. आप चाहे तो पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे टमाटो जूस यूज़ कर रही हूँ. और ये भी आपको पता है, टमाटो समर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है. इसमें एंटी एजिंग या आपके जो सनबर्न प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो आई थिंक आपको टमाटो यूज़ करना चाहिए, एटलीस्ट समर तक तो यूज़ करना ही चाहिए. नेक्स्ट प्रोडक्ट में हनी यूज़ कर रही हूँ. हनी जो होता है ना, वो आपकी स्किन को बहुत ही डीपली मॉइस्चराइज करता है और आपकी रिंकल्स होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है. तो हनी आपकी स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है. देन आफ्टर आपको इसमें रॉ मिल्क यूज़ करना है. अगर आप रॉ मिल्क यूज़ करना चाहते हैं तो रॉ मिल्क यूज़ करें, क्योंकि आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है. एक एज अ क्लिंजर भी यूज़ होता है, तो यहाँ पे ये एज अ क्लिंजर काम कर रहा है. बट अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर वाटर यूज़ कर सकते हैं. बट मैं यहाँ पे रॉ मिल्क यूज़ कर रही हूँ, कि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई फील हो रही है. और ये मास्क जो है आपके हेयर रीग्रोथ में भी हेल्प करता है. मतलब आपके जो फेस पे हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ को भी रिड्यूस करता है. तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मास्क है. आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब आपने यूज़ किया आज और आप सोचो कल आपको रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. आपको वीक में 2 या 3 टाइम यूज़ करना पड़ेगा. आप चाहो तो वीक में एक बार भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पे, आपके पास कितना टाइम है. अदरवाइज ये आपको 15 डेज में रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिल सकता है. तो 15 डेज तक तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा. नाउ इसको अप्लाई करने से पहले आपको अपने बालों को सिक्योर कर लेना है, नहीं तो फेस की जगह आपके बाल ब्राइट हो जाएंगे. उसके बाद आप ब्रश से चाहो तो ब्रश से अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपना हैंड भी यूज कर सकते हो. इसको आपको अप्लाई कर लेना है ऑल ओवर योर फेस. नाउ लेट इट ड्राई फॉर 10 to 15 मिनट. आफ्टर दैट आपको इसको सर्कुलर मोशन में स्क्रब करते हुए रिमूव करना है. और आप जब भी इसको ड्राई होने के लिए छोड़ो तो आप ध्यान देना कि आपको इसको 100% ड्राई नहीं होने देना है, आपको इसको 90% ड्राई करना है. सो मैं इसको ड्राई मिलती हूँ आपसे इसका ड्राई होने के बाद. तो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं. अब मैं इसको सर्कुलर मोशन में स्क्रब करके रिमूव करूँगी. और जब भी आप इसको स्क्रब करें तो बहुत ही जेंटली स्क्रब करें, बहुत हार्श ना हो अपने स्किन के साथ. सो अभी इस प्रोसेस के लिए मैं बाथरूम में जा रही हूँ, वहाँ पे मैं इसको रिमूव करूँगी. क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे रिमूव किया तो बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो जाएगा और वो मुझे ही साफ करना पड़ेगा. सो मैं रिमूव करके आती हूँ. आफ्टर वॉश यू कैन सी क्लियरली डिफरेंस. आपको 1-2 बार यूज़ करना पड़ेगा, आफ्टर दैट आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आने लगेगा. सो और आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब.
पर अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आपको लगा कि आपके लिए ये यूजफुल है, तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।